everyone, how have you been? Welcome to the very session. This is your English educator Nidhi Arora. Now today's topic is going to be all about Bipin Chaudhary's lapse of memory. Okay, suppose if any one of your friends has a loss of memory, okay, has a poor retention of memory, so to say, then what would you do basically? Would you tease him out, him or her out, or would you rather help them out? What would you do in that matter? This is what this chapter is all about. Okay, now आज का जो हमारा chapter है ना बेटा, Bipin Chaudhary's lapse of memory, वो एक ऐसी story पे based है. इसका जो हम part one करेंगे, आपको पता चलेगा कि Bipin Chaudhary जो है अपनी लाइफ का, ऐसा इसमें पता चलेगा, एक कैरेक्टर है जो प्रोटैगनिस्ट है Bipin Chaudhary, अपनी लाइफ के फेज का एक पूरा का पूरा हिस्सा ही भूल गया. ओके, फॉर एन इंस्टेंस, इफ यू टेंड टू फॉरगेट समथिंग एंड इफ इट हैज नाउ बिकम अ हैबिट ऑफ योर्स, दैट्स वन थिंग. ओके, सो इफ दैट थिंग इज परपेचुअली हैपनिंग इन अ कोर्स ऑफ इन द ड्यू कोर्स, देन दैट्स लाइक वन थिंग. बट if you completely vanish out or you know sulk out a whole trauma due to trauma or you know any injury or you know head injury, so to say, if anything, any mishappening happens to you, occurs to you due to some unforeseen or unprecedented times or circumstances, then that's another. Okay, but yahan pe to there is a different case altogether. Only yahan pe ho kya raha hai, jo Bipin Chaudhary hamare protagonist hai, unki puri life में सब कुछ याद है, उन्हें कब कहाँ खाया पिया सोया, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज गुड रिटेंशन ऑफ मेमोरी. बट नॉट ओनली डिड ही फाइंड आउट दैट ही हैज लॉस्ट यू नो अ कंप्लीट मेमोरी ऑफ हिज, not exactly complete memory but a part of his life cannot be recalled by him, but also whenever he goes up to people and he asks them and asks for any confirmation, he you know got to know that that disease of him actually happened. Okay, this is prevalent in his case. Now as we move forward, as we move ahead with the topic, we will parallelly and laterally find out if the story and if the you know occurred incident is actually true or not. Okay, चलो जी, तो पार्ट वन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर द सेशन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर प्रोसीडिंग, बिकॉज वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू थिंक अपॉन इट, टू पॉन्डर अपॉन द फैक्ट्स एज टू हाउ डू पीपल हैव अ लॉस ऑफ मेमोरी इन द फर्स्ट प्लेस. हाउ डू वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, हाउ डू वी मिसप्लेस थिंग्स. ओके, डू वी नॉट ईट बादाम, क्या हम बादाम नहीं खाते हैं इनफ, और इज इट द केस विद आवर हॉर्मोन्स, और डज आर ब्रेन सेल्स यू नो स्टॉप वर्किंग, वॉट इज इट बेसिकली दैट हेल्प्स इन पुअर रिटेंशन ऑफ आर मेमरी, दैट अक्यूमुलेट्स और दैट एक्सेलरेट्स द पुअर रिटेंशन ऑफ मेमरी, वॉट इज दैट थिंग, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम एंटैंगल्ड फैक्ट्स. ओके, चलो तो आज हमें क्या पढ़ना है ध्यान से देख लेना. वॉट विल वी लर्न टूडे, में वी विल टॉक अबाउट द ऑथर, ऑफकोर्स हमारे ऑथर के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर, द वेरी चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग ऑफ. ओके, इसमें बेटा आप लोग ना वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, तो आज मैं जो भी आपको पार्ट वन पढ़ाऊंगी उसमें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन होगा. राइट, गॉट इट, इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो, जस्ट सो मोर पीपल को ज्वाइन इन एंड मोर पीपल गेट डन एंड डस्टेड विद द टॉपिक्स दैट आई एम गोनो टीच, दैट आई एम गोनो स्टार्ट. ओके, अपन में क्या होता है यार, एक एज होती है, एक फेज होती है, वेन एवर सम वन ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ दिस हैबिट ऑफ लूजिंग और यू नो फॉरगेटिंग थिंग्स, व्हाट डू यू कॉल देम बेसिकली. यार हमारी लैंग्वेज में तो उसको गजनी बुलाया करते हैं ना, कि गजनी हो गया, बिकॉज ऑफ द फेमस मूवी दैट रिफ्लेक्टेड एन एंगल टू विच वी हैड अ टेंजेंट एज टू हाउ अ पर्सन टेंड्स टू फॉरगेट समथिंग, है ना. उसमें भी क्या होता है, वो अपनी लाइफ का एक फेज पूरा भूल जाता है ना, दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो पैरेलली हम रिलेट करके वी टीज दैट पर्सन आउट इन सेइंग दैट यू आर अ गजनी, हो हा हा हा, ठीक है. बट दैट्स नॉट द केस, इफ वी ट्रूली अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट वेरी पर्सन, चांसेस आर दैट ही और शी मे बी
गेटिंग फूल्ड अराउंड. ओके, हो सकता है यार कि उसको पागल बनाया जा रहा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो सच में जो है ही इज टेंडिंग टू फॉरगेट, ही हैज डिमेंशिया और समथिंग, कुछ उसको डिजीज है जिससे कि उसको एक फेज या बोलते बोलते कोई बात भूल जा रहा है, कुछ तो है, समथिंग इज प्रिवेलेंट. ओके, यही तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली. ओके, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कभी ऐसा हुआ है, सो ड्रॉप इन योर इंसिडेंट्स, ड्रॉप इन योर केसेस इन द कॉमेंट सेक्शन. And I would love to hear from you. I would love to hear from the other side. Okay, जल्दी से मुझे बताओ यार, अपनी स्टोरी शेयर करो. And I'm super excited to watch out on your cases. And I am all set to laugh upon those cases. Okay, laugh upon the same. चलो जी, on that note, I would like to take this time out to introduce some things to you. What are those things now? बेटा, अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप के बारे में जानते हो, कभी सुना है? पता ही होगा यार, वीकेंड बेसिस पे हमारे पास में बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं. सो वन सच इज नेम्ड बाय अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप, जो कि स्पेशली एंड एक्सक्लूसिवली 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए है, जिसमें यू कैन ईजिली विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore. आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है. इस स्कॉलरशिप एग्जाम में टेस्ट में होगा क्या, बेसिकली यू विल बी गिव provided with 30 questions and you have to solve all of them in 45 minutes. Okay, so at this time the test commencement date will be on 8th of August, that is Sunday ko, jo bhi har Sunday har weekend hota tab hoega. usme besides that free live test aapke paas Android mein hoenge. tests jo hai aapko Hindi aur English dono hi language mein diya jayega. so as soon as this session, this premiere gets over, the first thing you should be knowing is to get yourselves enrolled and participate in the Unacademy Combat Scholarship Test and win amazing and exciting prizes. Okay, 1 crore is a huge amount. I mean, we can fund our, you know, fully fund ourselves. Not only that, we can help our parents as well and we can make them proud as well. Okay, all at the same time. चलो जी, सो लाइक आई सेड, अभी ये जो स्कॉलरशिप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और ये जो फ्री लाइव टेस्ट है ना, ये सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर ही होता है. सो घर में किसी का भी एंड्रॉयड ऐप हो, उसमें भर्ती हो जाना और पार्टिसिपेट कर लेना. ओके चलो जी, तो 12 बजे है, हर संडे होता है, इस बारी भी है. जस्ट बी प्रेप्ड विद द टेस्ट इज ऑल आई वुड से, एंड लेट्स जस्ट क्रैक इट. ओके चलो जी, ठीक है, परफेक्ट है. अब मैं बता देती हूँ यार, ये जो आफ्टर दिस कॉम्बैट टेस्ट जो हमारे 1st of August में टेस्ट हुआ था, उसके भी कुछ विनर्स रहे थे, उसके भी कुछ विजेता रहे थे. सो आई वुड लाइक टू टेक दिस टाइम टू अनाउंस अबाउट देम, टू टेल मोर अबाउट देम, जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम ऑलरेडी. तो फटाफट से हम जो है इनको कंग्रेचुलेट कर देंगे. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टॉप रैंकर्स ऑफ कॉम्बैट चैलेंज कॉम्बैट स्कॉलरशिप, जो कि विच वॉज हेल्ड ऑन 1st of August. ओके, तो 6th to 12th तक के रिजल्ट्स हैं ये, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ जिनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये जो पोजिशन मिली है, पोजिशन होल्डर्स हैं, वो किस इस तरीके से हैं. 6th class में वी हैव आर विनर्स, ऋषभ अग्रवाल, चैतन्य एंड अनीश. class 7th में प्रथम, नवमी एंड संसद. class 8th में आदि, अवधेश और प्रियांशी. class 9th में प्रथम, समर्थ और राजा. class 10th में प्रणवी, आकांक्षा और मांडी. class 11th में वी हैव आर टॉप स्कोरर्स बाय द नेम ऑफ राजीव, प्रणेश्वर एंड प्रखर. और क्लास 12th में वी हैव अनुपमा, अखिल एंड प्रगति. सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू ऑल. इफ़ एनी वन ऑफ यू इज योर वॉचिंग दिस वेरी सेशन, माई हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशंस आर विद यू एंड आई विश यू लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस कमिंग योर वे. ओके, अलॉन्ग योर वे. सो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉम्बैट जो हमारा 8th of August को होगा, उसमें आप you can try your luck and you can to stand a chance to win scholarships. aap in logo se motivated ho sakte ho. if you are friends with any one of them, then you must learn to constructively take part like them and just be in that hustle. okay, just hustle man is all I want. अब बेटा, जो भी मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताती हूँ, उसके लिए जो हमारा ऑफर होता है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपको लाइव क्लासेस घर बैठे बैठे मिल रही है, सारे जो स्पेशल और यूट्यूब पे कोर्सेज अनलॉक्ड हैं, वो लॉक्ड हैं, वो जाते हैं अनलॉक्ड प्लस पे जाके. तो उसके लिए हमारी कुछ प्राइसिंग होती है. अब अगर आप उनमें से किसी में भी भरते होते हो, और आइकॉनिक में जो भी प्राइवेट ट्यूटर्स के चक्कर में रहते हैं ना,
उनके लिए अन अकेडमी हैज़ बिन सच अ बून टू ऑल यू किड्स, ऑल यू पीपल, क्योंकि हमने यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो है वन ऑन वन मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कराई है. अब ये जो हमारा ऑफर है ना, इन सबको अवेल करने का और निधि 01 कोड लगाने का, दैट विल एक्सपायर एंड दैट विल एंड अप ऑन द 8th of August, ओके, दैट इज संडे. तो जितने भी एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स हैं क्लास 6 to 12 के लिए, जो आपको ऑफर्स मिलते हैं ना 12 से लेके 15 और 18 मंथ्स पे जो पैक खरीदता है, या फिर 24 से 48 के लिए, या फिर 60 से 84 के लिए, उसको या तो फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है सीबीएसई की, या फिर क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलती है. तो ये 2, 4, 6 ऐसे ऐसे रिस्पेक्टिवली मिलता है. इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी. हाउएवर द कोड, यूबीक्यूटस कोड निधि01 स्टेज एज इज, स्टेज द सेम, रिमेन्स द सेम. सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एनरोल योर सेल्फ, ओके, एंड टेक पार्ट इन द क्विज, ओके. चलो जी, that's about it. I think we are ready to start off with our topic. Are we? Yes, we are. आज का जो हमारा topic है ना बेटा, बड़ा ही ज़्यादा interesting होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. मैं आपको बताऊंगी हाउ एंड यू नो हाउ ऑल डिड इट हैपन, कैसे बिपिन चौधरी का जो टाइम है वो लैप्स हो पाता है और कैसे जो है उनकी मेमोरी चली जाती है. सो ऑल ऑफ योर इशूज विल गेट रिजॉल्व इन अ जिफी, ओके. अब पहले तो बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब पढ़ लेते हैं, ठीक है. लैप्स क्या होता है, एक टेम्परेरी फेलियर आ गया उनकी मेमोरी में, ऐसे कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, परमानेंट नहीं है, बट येस फॉर द टाइम बींग. सोचो अगर आपके साथ हो, हाउ विल यू फील, एंड यार अगर मेरे साथ कोई ऐसा हो, सो टू स्पीक, आई विल बी शैटर्ड, मोर देन शैटर्ड, आई वुड बी पेट्रीफाइड ऑफ माई सेल्फ ओनली, कि क्या हो गया ये मेरे साथ, एम आई नॉट नॉर्मल एनी मोर और वॉट, मतलब क्या करूँ, वॉट शुड आई डू अबाउट इट. तो मतलब ये कि इंटरवल और पैसेज ऑफ टाइम का जो पीरियड है ना, उसमें कुछ घटना हो गई है, ओके. सो लेट जस्ट हियर आउट फॉर आर टॉपिक विच सेज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ओके. बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है बेटा, लैप्स क्या होता है, जो हमारा टाइम का रिलैक्सेशन, जो एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेमोरी चली गई है, ठीक है. तो यानी कि एक टेम्परेरी फेलियर हुआ है, लैप्स मने है यहाँ पे, अ टेम्परेरी फेलियर, गॉट इट. तो दिमागी संतुलन जो है खिसक गया है, हिल सक गया है. नाउ हु अदर देन सत्यजीत रे वुड हैव रिटन दिस स्टोरी. आई डोंट थिंक दैट नन अनदर देन सत्यजीत रे कुड हैव डन जस्ट टू दिस वेरी प्रोज सेक्शन एंड टू दिस वेरी स्टोरी, क्योंकि कोई इतना सेंसिटिविटी के साथ कैसे बता सकता है कि यार एक इंसान है, बहुत बिल्कुल फिक्शनल वर्ल्ड में जा रहे हैं हम, एंड द स्टोरी हैज़ बिन टोल्ड दैट एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं है, बट उस जो जना है हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसके साथ सब कुछ हो गया, एंड नो वन कैन थिंक ऑफ इट बेटर दैन सत्यजीत रे, ओके. दैट्स वट आई बिलीव, बिकॉज सत्यजीत रे के बारे में जितनी भी तारीफ करो ना, उतनी कम है. जो हमारे सत्यजीत रे हैं, पहले तो उनकी बर्थ डेट, बर्थ सन, ये जो सब चीज़ें हैं वो अपन याद कर लेंगे अच्छे से दिमाग में, ओके. कर लोगे ना यार, इतना तो कर ही लेना. चलो जी, ये सब चीज़ें याद रखेंगे, फिर उनके बारे में, उनके प्रोफेशन को जानेंगे, हु इज़ ही बेसिकली, ओके, हु वॉज ही एंड वॉट डिड ही डू, उनका बर्थ और जो उनका सन है और डेथ सन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनका नाम खुद, ओके. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर, ये जो आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम एस्पेक्ट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इफ़ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हु इज़ द पोइट ऑफ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, देन यू आर अबाइड टू टेल द नेम, ठीक है. आपने बताना है कि सत्यजीत रे इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ओके बच्चा, ठीक है जी. चलो जी, कमिंग बैक टू सत्यजीत रे, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है बेटा. जो हमारे सत्यजीत रे हैं ना, उनका बर्थ और डेथ डेट देखो, 12th of May 1921 को ही वॉज बॉर्न, ओके. ही वॉज बॉर्न ऑन 12th May 1921. नाउ आफ्टर आई फाइंड माई पेन, ऑफकोर्स आई विल जॉट डाउन दिस थिंग,
उसके बाद उनका जो डेथ सन है वो है 23 अप्रैल 1992. ओके, ही वॉज अलाइव टिल 23 अप्रैल 1992 तक. ओके जी, चलो अब वो क्या क्या थे, मतलब ही वॉज नॉट अ शार्लटन. वो बिल्कुल सेल्फ प्रोक्लेम नहीं थे, बट ये सब चीज़ें हम उनके लिए प्रोक्लेम कर रहे हैं. वी आर अक्लेमिंग हिम ऑफ सच अ प्रोडिजी दैट नो वन कैन फॉरगेट हिम एज वेल एज हिज वर्क. ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं, ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर. वो इंडियन फिल्म डायरेक्टर रहे हैं. ओके, वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो कहानियाँ लिखते थे, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, डॉक्यूमेंट्री भी बनाते थे, ऑथर थे, लेखक थे और लिरिसिस्ट थे और मैगजीन एडिटर थे, यानी कि मैगजीन के संपादक और इलस्ट्रेटर थे और कैलीग्राफर थे, राइटिंग भी, एंड म्यूजिक कंपोजर टू. सो ही वॉज वेरी वर्सेटाइल. ही वॉज एन ऑल इन वन पैकेज. ओके, कम्प्लीट पैकेज ऑफ टैलेंट. ये टैलेंट हेड थे, टैलेंट स्काउट भी थे, because Satyajit Ray was such a phenomenal artist that he was an Indian film writer. Film writer mein unhone kya kya kara tha, script writer the wo aur documentary film maker the, author the, lyricist the, magazine editor the, illustrator the, calligrapher the aur music composer bhi the. Got it? Ab Bipin Chaudhary unhone kya soch ke likha, ye bhi sochna hai hame. बिपिन चौधरी के बारे में यहाँ पे बताया है बेटा. बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी वॉज अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ मैन. वो एक स्टोरी है, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, एक इंसान के बारे में, एक मैन के बारे में. बिपिन चौधरी, ठीक है, ये नाम है. ही थिंक्स दैट ही हैज अ लैप्स ऑफ मेमोरी. ओके, उसको ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरी में कोई ना कोई लोचा है. बेटा यहाँ पे अ स्मॉल करेक्शन दैट यू नीड टू डू. ओके, सो बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी इज अ ह्यूमरस स्टोरी. यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो. ही थिंक्स दैट, यहाँ पे इनमें दरार डाल दो, ही हैज अ लैप्स ऑफ मेमोरी, कि उसके मेमोरी में कुछ ना कुछ लैप्स आ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है रे, ठीक है. सो यू कैन रेक्टिफाई दिस, ऑफकोर्स वी कैन, ठीक है. यहाँ पे क्या क्या बोला है, सत्यजीत रे के बारे में बताया अपन ने, फिर हमने देखा कि यार वो तो बहुत ही महान टैलेंटेड व्यक्ति, और नॉट जस्ट दैट, बिपिन चौधरी की जो मेमोरी है उसके बारे में बताया कि यार ये इतनी रसीली, इतनी ह्यूमरस स्टोरी है दैट एनी वन वुड एंड अप लाफिंग आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी. ये एक ऐसे आदमी के बारे में, बिपिन चौधरी उसका नाम है, और उसको लगता है कि उसकी मेमोरी का एक फेज उड़ गया है, उजड़ गया है, तो मेमोरी बॉक्स में ये जो डब्बा है ना, एक फेज चला गया है. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग सत्यजीत रे. जल्दी से देख लो यार, लेट्स हियर इट फॉर सत्यजीत रे एंड लेट्स जस्ट पे होमेज टू हिज राइट अप्स, बिकॉज आई थिंक एवरी वन इज अ बिग फैन, आंट वी? यस वी आर. सो सत्यजीत रे, ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं. ऑन दैट नोट, हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अपने जहन में घुसा लेते हैं कि जो स्टोरी है दैट हैज बीन रिटन बाय अ वेरी 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 फेमस ऑथर. ओके, चलो जी, ऑन दैट नोट आगे चलते हैं फटाक से. आगे क्या बोला है, बिफोर यू रीड में बेटा जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी मेमोरी तेज है, अच्छी है. हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या आपके दिमाग ने कभी आपके साथ खेला है, कभी खिलवाड़ करी है कि यार आपको ना कोई बात बहुत टाइम से याद नहीं आ रही. यू आर लुकिंग फॉर दैट वन वर्ड विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड बाई यू ओनली. यू आर जस्ट गेटिंग रिलेंटलेस एज टू वॉट दैट वर्ड वॉज अबाउट. लेट मी जस्ट गूगल इट आउट, लेट मी जस्ट आस्क माई फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट आस्क माई सेल्फ ओनली एज टू वॉट एम आई गोइंग टू स्पीक, वॉट वॉज आई गोइंग टू स्पीक फॉर दैट मैटर, एंड वॉट इज दैट थिंग दैट हैज बीन रनिंग इन माई माइंड बट स्टिल not getting, you know, out of it, out of the body, out of the mouth. What is that thing that has been stuck ever since we thought of it in the first place, but is yet not able to arrive out of our mouth? What is that thing? ठीक है, ये सब questions आते हैं हमारे दिमाग में. आपको लगता है आपकी good memory है, अच्छी memory है. So in my case, I would say that it's a 50-50. It's a, you know, win love hate situation.
whenever I don't think too much of my memory, then it is a good memory. It used to be. I mean, I did have really good brains. But that's not the case. Basically, brain sabka jo hai, wahi equally hota hai. जो हमारा आई क्यू और ई क्यू है ना वो भी इक्वल ही होता है, इक्विवेलेंट क्वोशंट्स ही होते हैं सबके ही. बट द प्रॉब्लम इज सम किड्स टेन टू हैव लाइक पोर्ट्रे टू हैव एन आई क्यू प्रूफ मेमोरी. ठीक है, बच्चे दिखाते हैं बहुत सारे, मैम हम तो आई क्यू प्रूफ हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता. सो नो मैटर विद हाउ मच इंटेंसिटी विल यू ट्राई टू असर्ट योर पॉइंट एंड यू नो मेक योर पॉइंट अक्रॉस अस, अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, बट इफ वी आर नॉट टू अंडरस्टैंड देन वी आर फर्म इनफ टू नेवर नेवर एवर बी गेटिंग योर पॉइंट. ओके, वी विल नॉट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल नॉट पुट इन आवर एफर्ट. तो वही वाली बात है, अगर हम एफर्ट्स नहीं डालें, अगर हम उसके टूवर्ड्स प्रैक्टिस नहीं करें, देन दिस एक्सरसाइज गेट्स ड्रेन्ड ऑफ ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो मेमोरी भी एक टाइप की ना एक्सरसाइज मांगती है हमारी बॉडी की तरह. जैसे जैसे आपका ब्रेन एक्सरसाइज करना बंद कर देगा, आप उस पर काम नहीं करोगे, आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को बंद कर दोगे, तो इवेंचुअली योर ब्रेन विल बी, मतलब ऐसे ही वो समझ आएगा उसको, दैट्स नो ब्रेनर. ओके, तो आपको क्या लगता है, एज पर यू, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? लाइक वंस देर वॉज अ टाइम वेन आई वॉज टू यंग टू बी कॉल्ड बाय माई टीचर दैट फॉर यू नो शी वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर माई ब्रेन्स, शी वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग माई शार्प मेमोरी फॉर शी सेड दैट माई माइंड इज लाइक कंप्यूटर. ओके, शी कंपेयर्ड माई माइंड विद कंप्यूटर, बट दैट्स नॉट द केस. एज आई ग्रो अप, एज वी ग्रो अप विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी टेंड टू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग दैट द सिलेबस इज गेटिंग ह्यूज. ओके, सो दैट वे अर्लियर आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग. आई यूज टू ग्रैब थिंग्स दैट हैड बिग लॉन्ग पेजेस इन इट एंड आई यूज टू क्रैम दैट यू नो दैट नोट आउट. Like I used to gulp those things out through and through. So that was the case with me. But as we grow up, we realize that, you know, things are different. Tables are turned. Syllabus is not, you know, limited. Syllabus is not compact anymore. You need to broaden your horizons. You need to expand your memory cells. Okay, that's how life works out with. तो यहाँ पे यही है, अगर आपको लगता है आपकी memory अच्छी है तो आप भी सोचो एक बार, just introspect on it, just ponder upon the facts as to do you really think that your memory is that good? कभी तो भूल जाते होगे. अच्छा चलो, कभी मम्मा ने कोई काम दे दिया, घर पे आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कोई रख के भूल गया तो भूल, तो उसको भी तो भूलना ही कहते हैं ना. ऐसा थोड़ी है कि आपको सिर्फ अकेडमिक पोर्शन याद हो जाता है तो दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट. नो 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 साइज फिट्स ऑल देयर. ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. मेरे साथ बहुत होता है, व्हेनेवर आई एम ऑन अ क्लीनिंग स्प्री, जब भी मैं ऐसे सफाई पर जाती हूँ ना तो मैं इतना अच्छे से सफाई कर देती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे जो है अपना ही खुद का सफाया कराया हुआ चीज़ नहीं मिलती है. सो मैं कुछ ज़्यादा ही ढंग से वो सफाया हो जाता है चीज़ का, उस पर्टिकुलर स्टफ का. सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई वुड लव टू रीड योर इंटरेस्टिंग न्यूजेंसेस. बेसिकली आगे है, हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, आपके दिमाग ने कभी खिलवाड़ करी है आपके साथ? बिल्कुल, अरे जी बिल्कुल, एग्जाम में हर बार करती है. हम कितना ही पढ़ने की कोशिश कर ले, रट्टा मार चल ले, चाहे टाटा बच्चे हो जाए, चाहे बाटा बच्चे हो जाए, हमारा दिमाग हमारे साथ हमेशा ही खेलता रहेगा. क्यों, क्या बोल रही है पब्लिक? फॉरगेटफुलनेस ऑफ्टन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. ये भूलने की बीमारी कुछ ज़्यादा ही आपकी हो जाती है क्या? अधिकतर चलती रहती है, ऐसा होता है, हो ही जाता है यार कभी कभी तो, है ना, चीज़ें मैं रख के भूल जाती हूँ टाइप से, ऐसा होता है क्या आपके साथ में, बताओ जी? बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. बताओ कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक लाइफ का पूरा पार्ट भूल गए हो आप? फिर तो बौखला जाओगे, सोचो फिर तो पागल ही हो जाओगे ना. इट विल ड्राइव यू क्रेजी, पागल कर देगी वो आपको. इन दिस स्टोरी, इस पर्टिकुलर स्टोरी में बच्चा बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी. बिपिन बाबू एकदम पागल ही होने लगता है, इतना ज़्यादा ही गेट्स स्ट्रेस्ड आउट कि अब मैं क्या करूँ, वेयर शुड आई गो. उसको लोग बोलते हैं, ब्रो आर यू नट्स, क्या हो रहा है ये तुम्हारे साथ? बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. उसको अपना रांची का कोई फेज याद नहीं आ रहा एज टू व्हेन ऑल डिड ही गो टू रांची. उसको कभी याद नहीं आता. ओके, ही हैज नेवर बीन टू रांची. वो बोलता है मैं कभी रांची नहीं गया, पर उसे अपनी रांची के लाइफ का फेज याद ही नहीं है जब वो गया था. ही इंसिस्ट्स, वो जोर भी डालता है, दबाव भी डालता है, काफ़ी बार ही बोलता है.
दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, बट उसके मतलब बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं जिससे उसको पता चलता है यार गया तो हूँ मैं, वेट अ सेकेंड. तो जब भी वो अपने आप को मन को तसल्ली देना चाह रहा होता है, नहीं 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 आई हैव नेवर बीन टू रांची, तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं, इंस्टेंसेस हो जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि उसके विपरीत में सबूत मिल रहे हैं कि यार गया तो है भाई तू रांची. व्हाट इज दैट सस्पेंस ऑल अबाउट? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सारे सबूत बोल रहे हैं कि यार तू रांची गया है और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है. सो इफ कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट आर विट्स, अगेंस्ट आर विल, देन वॉट वुड यू डू? विल इट ड्राइव यू क्रेजी? विल यू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड देन कम बैक स्ट्रोंगर? वॉट वुड यू डू? ऐसा पूछा गया है आपसे, ठीक है? तो ये सस्पेंस किसके बारे में होगा, ये पूछा जाएगा. वेट लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू अराउंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स. यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, लेट मी जस्ट फिगर दैट आउट. विटनेस सबूत, कॉन्ट्ररी विपरीत, ओके, चलो ठीक है. आर वी गुड? यस वी आर. गिव मी अ सेक. ओके लेट्स प्रोसीड, आगे चल के देखते हैं. मतलब ये बिफोर यू रीड है एंड थिंक ऑफ इट एज आपकी मेमोरी. वॉट डू यू कंसिडर अबाउट योर मेमोरी? इज इट गुड? इज इट शार्प? डज इट हैव अ बैड रिटेंशन, पुअर रिटेंशन, क्या है? एंड अगर आपको लगता है कभी आपने, आपके माइंड ने आपके साथ कभी ट्रिक्स खेले हैं, कभी चालबाजी करी है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ आपने यहाँ रखी थी बट वो खो गई है, यू हैव मिसप्लेस्ड इट समवेयर, एंड देन अगेन एट दैट वेरी प्लेस और स्पॉट इफ यू हैपन टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट मीन्स योर माइंड इज ट्रिकिंग यू. इज दैट द केस विद यू? हैज दैट एवर हैपन टू यू? और बेपिन के साथ तो ये हो गया, उसकी लाइफ का पूरा फेस खो गया, उसकी मेमोरी डेटा सेट, जो डेटा वाली वो होती है ना, रिस्टोर भी नहीं है उसके पास तो बटन कुछ भी, तो मेमोरी सेल से एक रांची का ट्रिप उसका खो गया, बट वो कभी रांची नहीं गया. वो बोल रहा है उसके सारे दोस्त बोल रहे हैं गया है, तो वो सबूत भी उसको मिल गया है लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, तो अब वो क्या करे बेसिकली? ओके दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. पार्ट वन की स्टोरी है, प्लीज पे अटेंशन. ओके बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से गाड़ी टेक ऑफ करेगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गोना कम. देखते हैं भाई क्या कहते हैं. यहाँ पे बोला है, एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरण्स इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. बस बहुत बड़ा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं. सो नाउ व्हाट हैपन्स हियर इज, हर सोमवार को, हर मंडे को उसी के रास्ते पे जब वो वापस आ रहा होता है काम से, तो बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन. वो क्या करता है, ड्रॉप इन यानी कि ड्रॉप कर देता है बेसिकली काली चरण, मतलब वहीं रुक जाता है. ही वुड ड्रॉप इन, अपने आप को रोक देता है एट काली चरण्स इन न्यू मार्केट. काली चरण एक बुक शॉप का नाम है बेटा, विच यू विल स्टडी आगे, विच यू विल रीड अबाउट इट इन फर्दर लाइन्स. तो यहाँ पे बोले काली चरण पे आके रुक जाता है न्यू मार्केट में, क्या करने के लिए, बुक्स को खरीदने के लिए, ठीक है जी. अब वॉट वॉज हिज काइंड ऑफ बुक्स, ओके वॉट वॉज हिज जॉनरा बेसिकली? ही यूज टू रीड अबाउट क्राइम स्टोरीज, ओके क्राइम स्टोरीज की बुक्स ली उसने, घोस्ट स्टोरीज, एकदम रहस्यमयी पैरानॉर्मल स्टोरीज लेता था वो, एंड थ्रिलर्स जिसमें बहुत ज़्यादा मजा हो, एडवेंचर हो. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. अब उसको एक हफ्ते के लिए कम से कम 5 बुक चाहिए होती थी पूरे हफ्ते ख़त्म करने के लिए. सोचो 5 बुक को एक हफ्ते में कैसे ख़त्म कर सकता है अ पर्सन हु इज बट ऑब्वियसली एन एविड रीडर, अ पर्सन हु हैज अ नैक फॉर रीडिंग, अ पर्सन हु इज अ बुक वॉर्म. ओके ये वही वही इंसान हो सकता है. सो ही डिड दैट इन द सेम वे, इन द सेम मैनर. ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहता था. ओके बेटा वो अकेले रहता था. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो इतना अच्छा मिक्सर नहीं था. मिक्सर क्या होता है, लोगों के साथ इतना घुलता मिलता नहीं था, ठीक है. ही वुड स्टे इन हिज ओन नटशेल ओनली, ठीक है जी. हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके दोस्त भी बड़े कम कम थे, लोग बाग उसके पास ज़्यादा नहीं थे.
एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. उसे फालतू की ये जो गॉसिप शॉसिप है ना उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. उसको अननेसेसरी लगता था ये सब रूटीन कॉन्वर्जेशन उससे होती नहीं थी. टुडे आज एट कालीचरण की बुक शॉप पे बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. उसको ऐसे लगा कालीचरण शॉप पे बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आई कि कोई ना कोई कुछ तो लोचा है दया. सो ही हैड अ सेंस ऑफ यू नो acquisition, he had a sense of inquiry in pertinence to which he thought that something is wrong, something is fishy because someone is observing him from close quarters. बहुत करीबी से देख रहा है कोई. ठीक है, अब क्या करें. चलो जी, अभी मीक का example तो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, but for the time being you have to read about it only. तो यहाँ पे देखते हैं, हर मंडे जब वो अपने काम से वापस आ रहा होता है तो बिपिन चौधरी जो है कालीचरण पे जाके रुक जाता है न्यू मार्केट में बुक्स को खरीदने के लिए. क्या क्या बुक्स लेते हैं? वो लेते हैं क्राइम स्टोरीज, गॉस स्टोरीज और थ्रिलर्स. दीज आर द थ्री जॉनर्स दैट बिपिन चौधरी वॉज हुक्ड अपॉन बेसिकली. नाउ उसको बुक्स लेनी थी, एटलीस्ट 5 बुक्स लेनी थी ताकि वो पूरे हफ्ते भर के लिए काम चला सके. ही वॉज दैट बिग ऑफ अ बुक वॉर्म, बुक नर्ड. और वो अकेले रहता था, ज़्यादा कोई मिक्स विक्स नहीं होता था लोगों के साथ. उसके कुछ ही फ्रेंड्स थे और ज़्यादा उसको टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं था अननेसेसरीली, ओके, रूटीन कॉन्वर्जेशन से. तो आज कालीचरण पे बिपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ कि कुछ ना कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है बहुत करीब से. ओके, नाउ व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा सोचे जरा. तो ये है बेटा अपनी बुक स्टोर है, बुक शॉप है, जिसका नाम है कालीचरण, न्यू मार्केट में है ये. ठीक है, कालीचरण इन न्यू मार्केट. चलो जी, इसको याद करें. एक्सक्यूज मी, यस, परफेक्ट. मूविंग ऑन, चलो जी आगे चलते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा, अब आगे क्या देखते हैं. अब वो पीछे मुड़ता है, देखता है कौन है ये. ठीक है, हु इज ही हु वॉज स्टेयरिंग एट हिम. सो ही टर्न्ड राउंड, वो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसने पाया अपने आप को कि वो देख रहा है, एक सामने उसके खड़ा है और उसे कोई घूर रहा है और उस इंसान की शक्ल कैसी है. सो वॉट ही फाउंड आउट इज अ राउंड फेस्ड, गोल गोल से चेहरे का, मीक लुकिंग. मीक क्या होता है बेटा, ऐसे लग रहा था काफ़ी हम्बल सा दिखने वाला, क्वाइट फेमिलियर, ऐसे जाना माना सा लग रहा था, वैसा दिखने वाला मैन, इंसान जो एकदम से ऐसे पहले देख रहा है फिर उसके हु ब्रोक इन टू अ स्माइल, मतलब कि एकदम से फिर उसके उसकी हंसी छूट गई मुझे देखते ही. न जान ना पहचान, हु इज़ दिस स्ट्रेंजर लाफिंग एट मी और लाफिंग अपॉन मी और लाफिंग विद मी और वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग टू मी, हु इज़ दिस, आई डोंट नो एनी सच पर्सन. तो वैसे बिल्कुल शॉक्ड है, वो देख रहा है ऐसा कौन सा इंसान आया. अब वो बोलता है कि बिपिन बाबू बोलता है आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, क्योंकि वो उसे देख के हंस रहा है बिकॉज द अदर पर्सन इज लाफिंग एट हिम. सो बिपिन सेज आई सपोज यू डोंट रिकग्नाइज मी, मतलब मैं ये मानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं पहचानते हो. हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं क्या, आज बिपिन बाबू. तो वो पूछते हैं कि well, I don't think that you know me. So why are you laughing at me? Why laugh at me in the first place? So have I met with you? Have we met before? Like, why? How did this happen? How did all of it happen? He was numb. He was shocked. He was bewildered. So now what happened is, the man looked greatly surprised. Wo man ekdam aashcharyachakit. Hein? Kya
क्या मतलब, ये मुझे जानता नहीं, व्हाट व्हाट इज दिस. सो वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. यहाँ पे वो जो इंसान है बिल्कुल सरप्राइज है, यहाँ पे बोलता है वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम मिले थे हर दिन पूरे हफ्ते के लिए, यानी कि we had an entire week to spend time with and we met for that entire week, we met every day on that whole week. I arranged for a car to take you to Hudru Falls. यहाँ पे बोल रहा है वो, दूसरा व्यक्ति आके बोलता है याद करो यार मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज कराई थी तुम्हें हुदरू फॉल्स में ले जाने के लिए. हुदरू फॉल्स क्या है बेटा? ये हुदरू फॉल्स बेसिकली फॉल्स है रांची में, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ द फॉल्स लुक लाइक. दिख गया? ये ऐसे देखो जैसे मसूरी में केम्प्टी फॉल्स होते हैं ना, ऐसे हैदराबाद में ये हुदरू फॉल्स है. तो बोलता है यार तुम याद करो यार मैंने कार अरेंज कराया था तुम्हारे लिए, पूरे हफ्ते के लिए कराया था, और मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज कराया था ताकि तुम हुदरू फॉल्स जा सको, हम तो डेली मिलते थे. वो कह रहा है इन 1958 रांची सन, ये रिमेंबर, याद आया? माय नेम इज़ परिमल घोष, मैं हूँ परिमल घोष, तुम मुझे यू नो मी, कम ऑन कम ऑन. वो बोलता है पेपिन रांची व्हाट आर यू फॉर रियल, व्हाट आर यू टॉकिंग टू मी अबाउट, आई डोंट नो ब्रो, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं. Now Bipin realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब इस टाइम तक Bipin को ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि मेरे में कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो इंसान है ना इसने कुछ मिस्टेक कर ली है, ठीक है. सो नाउ ही कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट इट्स नॉट मी इट्स हिम, ठीक है. वो ये रियलाइज करता है कि यार ये तो वो इस आदमी की मिस्टेक है ना यार, उसकी वजह से हो रहा है ये तो सब कुछ, राइट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखते हैं कि ही वॉज क्वाइट एन ऑब्जर्वेंट बेसिकली, जो हमारे Bipin बाबू हैं. आफ्टर गेटिंग ऑब्जर्व बाय अ राउंड फेसड और मीक लुकिंग पर्सन, हम्बल पर्सन, ही हु नाउ हु देन ब्रोक इन टू अ स्माइल. वो बोलता है यार मुझे शायद तुम नहीं जानते, तुम किसी गलत को देख के हंस रहे हो, आई सपोज यू आर मिस रिकग्नाइजिंग मी फॉर समबडी एल्स, ओके. तो बोलता है यार ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है ना ये नहीं है मेरा कि हम दोबारा मिले हैं क्या, मतलब क्या दिक्कत है. तो बोलता है यार वो एकदम सरप्राइज हो गया यार हम पूरे हफ्ते के लिए मिले हैं हर दिन, और मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज कराई थी हुदरू फॉल्स जाने के लिए, 1958 रांची, याद आया मेरा नाम परिमल घोष. तो वो बोलता है Bipin बाबू रांची, Bipin बाबू को लगता है ओ यू मस्ट बी मिस्टेकन, हाईली मिस्टेकन, ओके इट्स नॉट मी हु मिस्टुक एवरीथिंग, सो माइंड दैट थिंग एंड कीप दैट थिंग इन माइंड, गॉट इट. चलो जी, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं. अब क्या होता है? अब आएगा कहानी में ट्विस्ट. कैसे जी? अब हमें पता चलता है बच्चा कि हमारे ये जो घोष जी हैं ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड, यहाँ पे देखो ये घूर रहे हैं, ये परिमल घोष है और ये बुक्स पढ़ने वाले, ये हमारे Bipin चौधरी. सो लेट जस्ट लुक एट इट केयरफुली एंड मार्क आवर कैरेक्टर्स, शैल वी? So this is our Bipin Chaudhary and this is our Parimal Ghosh, right? Got it? Sorted? तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं. ओके, आर थिंग्स क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक चीजें. चलो मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि Bipin बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. सो अकॉर्डिंग टू Bipin He himself had never been to Ranchi. उसको लग रहा है मैं तो खुद रांची नहीं गया हूँ अभी तक, दैट्स फॉर श्योर. उसको लग रहा है इससे मिस्टेक होगी है. सो ही हैड बिन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वो जाने की बहुत बारी सोच तो रहा था बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं पाया. ही स्माइल्ड, वो थोड़ा सा हंसा एंड सैड, कहता है डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मतलब आई थिंक दैट यू आर हाईली मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकिंग मी फॉर समबडी एल्स हु यू कुडंट फाइंड हिम और हर येट. तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है. द मैन रेज्ड हिज आईब्राउज, वो बोलता है ऐसे उठा के आईब्राउज, ऑफकोर्स आई नो यू, बिट हिज टंग एंड सेड,
तो वो बोलता है, अपनी रेज करता है वो अपनी आईब्रोज और अपनी टंग को भी थोड़ा सा उछालता है और कहता है, डू आई नो यू, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हें जानता हूँ, हु डजंट नो बिपिन चौधरी. वो कहते हैं बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, एल्ले ये तो इसने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, अब क्या होएगा. सो बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स दी बुक शेल्फ एंड सेड, बिपिन बाबू जो है बुक शेल्फ की तरफ टर्न करता है, मुड़ता है और कहता है, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. दोबारा से मुड़ जाता है वो, पीछे बुक्स की तरफ देखने लग जाता है, देखो ऐसे जस्ट लाइक दैट आगे देखने लग जाएगा, पीछे बुक्स की तरफ कहता है, कोई गलती हो या तो मैं वो वाला बेपिन नहीं हूँ, भले तुम बेपिन की तलाश में आयो बट यू आर हाईली मिस्टेकन बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज एवर बिन टू रांची, सो यू कैन नॉट क्लेम और अक्यूज मी ऑफ एनी थिंग दैट आई हैव नेवर डन. ओके, एंड इट्स नॉट इवन एन अक्यूजेशन, इट्स समथिंग दैट यू आर इम्पोजिंग मी टू रिकॉल अपॉन विच डजेंट हैव एनी एग्जिस्टेंस इन माई लाइफ, ऐसा वो कहना चाह रहा है. ठीक है, तो बेसिकली बोलता है बिपिन बाबू, अपना बुक शेल्फ की तरफ टर्न कर लेता है अपना मुंह एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो. वन ऑफ्टन डज, कोई भी कर लेगा, कोई बात नहीं है, ना मुन्ना ना तुम्हारी गलती नहीं है, आई हैव नेवर बिन टू रांची. सो बॉटम लाइन इज बिकॉज आई हैव नेवर बिन टू रांची सो यू कैन नॉट बी, आई एम नॉट समवन हु यू वर लुकिंग फॉर. ओके, ऐसा वो कहना चाह रहा है. तो बेसिकली इनकी कहानी जो है थोड़ी सी आगे बढ़ी है. तो क्या होता है यहाँ पे, सो बिपिन बाबू हैड नेवर बिन टू रांची, दैट्स फॉर श्योर. बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए, उनका पॉइंट ये था बार बार, मतलब जाना चाहते थे काफ़ी बार बट कभी बन नहीं पाया वो उनका माहौल. तो वो हंसते हुए कहते हैं, नहीं पता ना तुम्हें मैं कौन हूँ. तो वो ऐसे मैन अपनी आँखें उठाता है, ही वॉज शॉक्ड, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी शॉक्ड और अपनी टंग को हिला के, मैं तुम्हें नहीं जानता, मतलब बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता. वो कहता है बुक की तरफ मुड़ जाएगा, नहीं नहीं फिर भी तुमसे गलती हो गई, शायद तुम किसी भी बिपिन की तलाश में क्यों ना हो, तुम अभी भी मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं रांची गया ही नहीं तो फिर मैं कैसे हो सकता हूँ. हाँ नहीं 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 मैं नहीं हो सकता, ना 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 मी ना मी ब्रो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं. ठीक है, सुनाओ व्हाट हैपेंस बच्चा, अब क्या होता है. अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, हुदरू फॉल्स है, जिसके लिए ये बुक स्टोर के इतनी ज़्यादा ड्रामे हैं. बुक स्टोर पे चर्चा कर चल रही है हुदरू फॉल्स के बारे में, एंड हुदरू फॉल्स इज इन रांची. हुदरू फॉल्स इज इन रांची, कर इट डन, डस्टेड सॉर्टेड गुड. अब क्या होता है, अब वो कहता है यहाँ पे कि बच्चा द मैन नाउ लाव्ड अलाउड, वो जो इंसान है ना फिर से हंसता है ऐसे कहता है, मतलब दूसरा वाला जो विजिटर है जो आगंतुक है वो आके कहता है, व्हाट यू सेइंग मिस्टर चौधरी, तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुदरू एंड कट योर राइट नी, तुम गिर गए थे हुदरू फॉल्स में और तुमने अपना दाहिना घुटना तोड़ दिया था, कट लगा दिया था उस पर. आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन सोल्यूशन लेकर आया था सो दैट यू नो योर ब्लड गेट्स क्लॉटेड. I had fixed up a car, मैंने कार फिक्स करी थी for you, तुम्हारे लिए, to go to नेतरहाट the next day. तो मैं क्योंकि नेतरहाट जाना था next day, तो मैंने तुम्हारे लिए कार भी फिक्स करी थी but you couldn't because of the pain in the knee. बट तुम जा नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे नी में, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था. इसको लग रहा है ये कहाँ की स्टोरी है, इज दिस द सेम थिंग, इज दिस द थिंग हैपनिंग इन पैरेलल यूनिवर्स इज वेल, बिकॉज आई फॉर वन डू नॉट नो एनी ऑफ इट, डू नॉट रिमेंबर एनी ऑफ इट. तो वो ऐसे कहना चाह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला, कांट यू रिकॉल एनी थिंग, तुम्हें कुछ याद नहीं आ सकता क्या, समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तुम किसी और को भी जानते हो वो भी रांची में था उस टाइम पे. ओके, ये तो पूरा गेम चल रहा है, ध्यान से देखो भाई. यहाँ पे क्या होता है, वो इंसान हंसता है कि भैया ये मुझे बार बार कह रहा है, मैंने मिस्टेक कर दी इसको पहचानने में. सो ही स्टार्टेड लाफिंग, कहता है क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, तुम गिर गए थे हुदरू फॉल्स में और तुमने अपना दाहिना घुटने पे कट लगा दिया था, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया, मैंने तुम्हारी कार भी फिक्स करी थी ताकि तुम अगले दिन नेतरहाट की तरफ जा सको बट बिकॉज ऑफ योर नी इंजरी यू कुडंट मूव, तुम नहीं जा पाए, तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या कुछ, तो कोई और भी है जो रांची में इस टाइम पे ऐसे उस टाइम पे रहते थे,
वो बोलता है मिस्टर दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी को जानते हो, वो थे, यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम उसके साथ बंगलो में रहे थे, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, तुमने ये भी कहा था कि भैया तुम बंगलो में रहते हो और तुम्हें जो है होटल का खाना पसंद नहीं है क्योंकि तुम मील्स जो है अपने बावर्ची से ही कुक करवाना सही समझते हो. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैज़ बीन सेड बाय द यू नो विजिटर हु इज़ इंक्वायरिंग द प्रोटैगनिस्ट. तो वह कहता है यहाँ पे, क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, वुद्रू फॉल्स में गिर गए थे, कट लगा था, मैं आईडी लेकर आया, मैंने कार फिक्स करी ताकि तुम नेतरहाट जा सको, बट अगले दिन तुम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ योर नी. तुम्हें याद नहीं आ रहा कोई और भी रांची में रहता था उस टाइम पे, दिनेश मुखर्जी, जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी है, तुम बंगलों में रहते थे, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं है, सो यू प्रेफर्ड कीपिंग अ प्राइवेट बावर्ची ओनली, पर्सनल बावर्ची से ही कुकिंग करवाना तुम पसंद करते थे अपने खाने की, रिमेंबर. ओके, डन है, सॉर्टेड है. ओके बेटा, क्लियर है, चलो जी आगे चलते हैं. ऑन दैट नोट, अब यहाँ पे बोला है बच्चा, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे. ओके, दिनेश मुखर्जी भी थे वहाँ पे उस टाइम पे, और तुम्हें पता होगा दिनेश मुखर्जी के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो बंगलों में रहते थे लेकिन तुम्हें बावर्ची के साथ खाना खाना था, होटल में रहना पसंद नहीं था. सो दैट वॉज द केस, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, तुम्हारी खूब बहस हुई थी अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, तुम चंद्रयान के लैंडिंग पर तुमने खूब आर्ग्यूमेंट करी थी चंद्रयान के बारे में कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही है. यू हैड योर ओन फेयर शेयर ऑफ ओपिनियन ऑन दैट, यू हैड योर फेयर शेयर ऑफ आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स इन अकॉर्डेंस टू दैट, इन अकॉर्डेंस टू द सेम. आई टेल यू मोर, मैं और बताते हो, वो पूरी मेमोरी याद दिला रहा है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलते, वो कहते हैं यार मुझे याद नहीं आ रहा इससे अपन कब मिले थे, ये इस दोस्त से कौन सी क्लास में मैं इसको जानता था, फिर आप बोलोगे अरे वो 8th स्टैंडर्ड वाला, उसने ऐसे एक बार कर दिया था, नहीं याद आया. चल एक और चीज़ बताती हूँ, अरे यार याद कर यार, देखो याद होएगा पक्के, यू मस्ट हैव सीन हिम और हर बिफोर, ये ना ऐसे लंच में ना दूसरों को खाना खा जाता था, ठीक है. नहीं 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 ऐसे नहीं याद आया, चल ठीक है मैं देखो कोई और पहचान बताता हूँ इसकी, या बताती हूँ इसकी, यार ये ना पेंसिल बहुत मांगता था, ठीक है, ये कभी भी अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं करता था, सिर्फ हमसे ही छेपता था, कुछ कुछ करके यू ट्राई टू मेक योर फ्रेंड मेमोराइज रेमिनाइज ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ बीन फॉरगेटन बाय दैट पर्सन, राइट, इन पर्टिकुलर ये होता ही है ना, दैट्स वेरी ह्यूमनली ऑफ अस टू से सो एंड टू फील सो. तो यही कर रहा है, ये भी वही बोल रहा है, परिमल घोष जी कहते हैं कि यार मुकेश जी जो है अपने सिस्टर के साथ रहते थे, तुम्हारी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी मून लैंडिंग के बारे में, याद है, मैं और बताता हूँ, तुम हमेशा ना एक, अब देखो, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी हम साइट सीइंग ट्रिप्स पर जाते थे तो तुम हमेशा एक बैग में बुक कैरी करके रखते थे ना अपने साथ में. तो यार ये तो वही वाली बात हो गई, जब हम किसी को एस्ट्रोलॉजी बता रहे हो, रुक रुक मैं तेरे को ना तेरा फ्यूचर बताती हूँ, ठीक है. आई विल से यार मुझे ना थोड़ा बहुत ऐसे पामिस्ट्री आती है, सो आई विल रीड आउट एंड इफ़ यू शो माई हैंड, यू योर सेल्फ शो माई हैंड टू मी, शो योर हैंड टू मी, वाई वुड यू शो माई हैंड, यू शो योर हैंड टू मी एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आई जैसे यार हाँ सब कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर मैं तो अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है, तेरी शादी ऐसे होगी इस टाइम पर होगी, नहीं नहीं तेरा करियर में ये है, तू कितना पैसा कमाएगी, नहीं नहीं आई विल नॉट टेल यू एज सच, वरना यू विल नॉट यू नो वर्क अपॉन इट, ऐसे ऐसे करके कुछ भी पागल बना दो. दैट इज मच लाइक योर ऑल्सो सेम थिंग इज हैपनिंग. उसने ये बोला कि यार तुम अपने पास बैग रखते थे बुक्स का और जब भी साइट सीन ट्रिप्स पे जाते थे. सो दीज आर द पेक्यूलियरिटीज विच कुड बी फाउंड आउट एट द फर्स्ट यू नो एट अ ग्लिम्प्स एंड इन अ जिस्ट ऑफ जस्ट
हैविंग टू नोन अबाउट दैट पर्सन एट फर्स्ट ग्लांस पता चल जाता है यार. अगर किसी के से आप बुक स्टोर पर मिलने आए हो एंड इफ यू हैपन टू फाइंड हिम अ बुक वॉर्म इन हिम देन चांसेस आर दैट ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड ही इज केपेबल ऑफ लर्निंग न्यू प्रॉस्पेक्ट्स. सो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट. सो देर इज नथिंग न्यू, देर इज नो नथिंग लाइक मच ऑफ अ बिग डील दैट दिस पर्सन हैज फाउंड आउट अबाउट बेपिन. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है अब, साइट सीइंग ट्रिप्स पे वगैरह कि तुम्हें तो बुक्स का बहुत शौक है. मतलब कौन सा उसने तीर मार दिया, रॉकेट साइंस थोड़ी है ये बता दिया. तो सो एम आई राइट और नॉट, तो कहता है मैं सही हूँ ना, सही हूँ ना, सही बोल रहा हूँ ना. वो सो रहा होगा यार ये तो उसने बड़ा सही बोला, मुझे बुक्स का शौक है. तुम बुक्स पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हाट एल्स वुड ही से, यही बोलेगा ना वो, तो तुम्हें बुक्स का शौक है. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. बिपिन बाबू बहुत ही आराम से बोलते हैं. हिज आई इज स्टिल ऑन दी बुक्स, उसकी आंखें अभी भी बुक्स में गड़ी हुई है. विच मंथ इन 58, कौन सा है 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, कहता है यार कौन से मंथ की बात करो 58 में, रांची वाला 1958 कौन सा मंथ. द मैन सेड अक्टूबर, कहता है अक्टूबर में. तो बोलता है बिपिन, नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58, मैंने तो पूजा करी थी भाई 1958 में विद अ फ्रेंड इन कानपुर, कानपुर में आई वॉज देयर इन अ पूजा. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुमसे कोई गलती हो गई है, गुड डे. बट द मैन डिड गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो गया नहीं और उसने कोई बात भी नहीं करी. तो क्या कहता है बिपिन बाबू, 1958 मैं तो पूजा में था अपने दोस्त के साथ कानपुर में, तो तुमने शायद गलती करी है, गुड बाय. बस उसको ज़्यादा उससे बात नहीं करनी थी, आदमी गया नहीं, खड़ा रहा लेकिन उसने कोई बात भी नहीं करी, ठीक है. नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो बात करना भी बंद नहीं हो रहा था. अरे सर पहचानना पड़ेगा सर आपको, सारों को पता है ना यार मैं कहाँ से आया हूँ, यू नो मी, यू हैव लर्न थिंग्स अबाउट मी, सो डोंट प्रिटेंड, डोंट वेयर अ मास्क अंडर दिस प्रिटेंस ऑफ योर्स, ऐसे ऐसे करके बहका रहा है उसको कि भैया क्या हो गया है अब ऐसा, मतलब इतना बड़ा फेज अपनी लाइफ का भूल जाना, पता ही नहीं है रांची गया नहीं, क्या कोई ऐसे सुला के तो नहीं ले गया होगा, खुद ही गए थे वो. सो हाउ कुड इट पॉसिबली हैपन, है ना. तो भैया देखो ये बोल रहा है भाई जाने नहीं, वो कह रहा है भाई जाने दे यार, मेरे कॉफ़ी ब्रेक का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसको कि अब मैं क्या करूँ. अब होता क्या है, सो इफ़ अ पर्सन डज नॉट टॉक टू यू मच अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर कोई आया उसने चुल क्रिएट कर दी, कुछ बोल दिया यार ये हुआ है वो हुआ है, आप मान नहीं रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट इफ ही लीव्स यू, ही और शी लीव्स यू हाफ वे थ्रू, देन हाफ ऑफ योर माइंड विल बैटल अराउंड दोज थिंग्स, है ना. आप अपने आप से लड़ाई करने लग जाओगे यार कब हुआ कब हुआ. सो थिंग्स विल कीप रनिंग इन योर माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड एटलीस्ट. यही हो रहा था इनके साथ भी. अब क्या होता है, अब ये होता है बच्चा कि वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र है, बहुत आश्चर्यचकित वाला है. वन इवनिंग आई हैड अ टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, बहुत बोलते रहता है ना, तो बोलता है यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है. एक शाम को मैं तुम्हारे साथ चाय पी रहा था वरांडा में, बंगलो के वरांडा में, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया. अब उसकी फैमिली के बारे में बताने लग जाता है. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, तुमने बताया तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, एंड दैट यू हैड, ये हो जाएगा बेटा, यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, ओके, और तुमने अपनी वाइफ को भी खो दिया है 10 साल पहले, तो तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, एंड यू लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, तो तुम्हारी बीवी भी नहीं है. तो यहाँ पे स्पेस दे दो. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, तुम्हारा जो एक लौता खुद का भाई था ही डाइड बेसिकली, वो पागल होके मर गया, विच इज़ वाई यू डेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए तुम कभी मेंटल हॉस्पिटल रांची में जाने नहीं जाते. तो वो उसकी मिस हैपनिंग्स के बारे में गिनवाने लग जाता है, दैट वाई आई नो एज टू हाउ आर यू फीलिंग दिस वे, तुम्हारी ये जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है वो इसलिए हुई है बिकॉज ऑफ योर पर्सनल ग्रीवेंसेज दैट हैज़न बीन स्वेप्ट अवे दैट इज स्टिल स्टक इन साइड. तो वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि भैया तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, बीवी 10 साल पहले जो है एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी, और जो एक लौता भाई था वो पागल होते होते मर गया था, इसलिए तुम्हें अस्पताल जाने का मन नहीं होता, मेंटल हॉस्पिटल असाइलम जाने का मन नहीं होता, ओके फॉर दैट मैटर. अब क्या होता है बच्चा, व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने बुक्स के लिए पे कर दिया था ना, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और वो जो शॉप के लिए निकल रहे थे, द मैन वॉज लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तो जो इंसान है वो देख रहा था उसकी तरफ एकदम अटर डिसबिलीफ के साथ, यानी कि एक कम्प्लीट सरप्राइज के साथ, बिल्कुल एकदम शॉक किया, और कैसे होएगा यार, कैसे, मतलब ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है.
तो क्या होता है बेटा, बहुत स्ट्रेंज, एक शाम वो और बोलता है ना, ही वुडन स्टॉप टॉकिंग, ओनली वो कुछ कुछ बातें याद दिलाने का ट्राई करता है. तो बोलता है एक शाम को मैं तुम्हारे साथ चाय पी रहा था तुम्हारे बंगलों के वरांडा में, तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया, तुमने ये भी बताया था तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, बीवी 10 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, और तुम्हारा इकलौता भाई जो है पागल होके मर गया था, और उसके बाद तुम मेंटल हॉस्पिटल रांची इसलिए नहीं जाना चाहते हो. तो जब बिपिन बाबू बुक्स के लिए पे कर रहा था ना, और जब वो शॉप छोड़ के जा रहा था, तो वो बार बार उसको देखने लग गया अटर डिसबिलीफ में, यानी कि कंप्लीट सरप्राइज कि इसको याद कैसे नहीं है ये सब चीज़ें, मुझे सब पता है इसके बारे में, आई कैन टेल एनी थिंग एंड एवरी थिंग अबाउट हिम, मैं उसकी पूरी लाइफ बता रहा हूँ इसको, इसको पता ही नहीं है मेरे बारे में. हाउ कैन दैट वेरी थिंग हैपन एंड हाउ कैन आई लेट दैट वेरी थिंग हैपन इन द फर्स्ट प्लेस. ये उसको बहुत ज़्यादा ही वॉज शोक बच्चा, तो देख रहा है कि अब क्या करे क्या करे क्या करे. ठीक है, तो अभी जो है बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा. ठीक है बच्चा, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, दैट्स प्रीटी मच अबाउट फॉर द सेशन फॉर द क्लास. आई वुड लव फॉर यू टू कीप इन टच एंड वी विल स्टे बैक, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, तभी जो है हम पार्ट टू कंप्लीट करेंगे इसका नेक्स्ट सेशन में. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वेरी सेशन एज वेल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट अप. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है बच्चा कि आपको कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेम्बर बनना है, देन डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस सिंगल मोस्ट कोड बाय द नेम ऑफ Nidhi01. ठीक है, रेस्ट यू नो द ड्रिल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर and subscribe to Unacademy channel. Unacademy channel क्या है? Class apart channel है बेटा. इसको session को भी subscribe करना, like करना, share करना, और channel को भी. okay? So in case if you don't already know कि हमारी जो class apart channel पे classes लगती है ना, that really happen, like that comes live on a daily basis, and my class in particular comes at 3:30 PM. ये आपके exam के लिए one stop solution है, क्योंकि इसमें सारे courses में जितने भी सारे subjects की तैयारी होती है one shot revision में होती है. ठीक है, चलो, I hope the concepts are pretty much clear to you. Part 2 एकदम one shot में करेंगे हम next class में. Bye bye, take care and thank you so much.